राखी सावंत ने शादी की तस्वीरें वायरल होते ही किया आदिल का पर्दाफाश। बोली, हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है। वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। टीवी एक्ट्रेस राखी सावंत और उनके बॉयफ्रेंड आदिल दुरानी अपनी शादी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में आ गए हैं। दोनों बीते कई महीनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्हें बॉलीवुड और टीवी से जुड़े इवेंट में साथ भी देखा गया है। वहीं बीते दिन राखी सावंत और आदिल दुरानी की शादी की तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसे देखकर एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें 7 महीने पहले ही शादी कर ली थी। दोनों का निकाह भी हुआ है, लेकिन हाल ही में इंटरव्यू में राखी सावंत ने बताया कि उनके और आदिल के बीच कुछ भी ठीक नहीं है। इतना ही नहीं, राखी का कहना है कि आदिल इस शादी को छुपा कर रखना चाहते हैं। राखी सावंत ने टेली चक्कर को दिए इंटरव्यू में आदिल दुरानी से जुड़ी कई बातों का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि आदिल हमारी शादी को क्यों छुपा रहा है। मैंने उसे कहा भी था कि यह वक्त है कि उन्हें अपनी शादी के बारे में घोषणा कर देनी चाहिए। वह अपने माता पिता से डर रहा है, या वो ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने एक हिंदू लड़की से शादी की है। राखी सावंत का कहना है कि अगर लोग उन पर भरोसा नहीं करते हैं तो भी उन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके पास सबूत मौजूद है। एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत ने इस सिलसिले पर बात करते हुए कहा, मेरे ऊपर शक करने से अच्छा है मीडिया कोर्ट में जाए और यह जांच करे कि मेरी और आदिल की शादी हुई है या नहीं हुई, यह ज्यादा मुश्किल है क्या। राखी का कहना है कि उनके और आदिल के बीच परेशानियां शुरू हो गई। इस बारे में उन्होंने कहा कि हम पति पत्नी हैं और साथ में ही रहते हैं, लेकिन हमारे बीच ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो मैं अभी बताना नहीं चाहती। मुझे अपने पत्ते तब खोलने चाहिए जब सही वक्त हो। मैं आदिल के साथ शादी को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन मैंने ऐसे कई चीजें देखी है जिससे मुझे शक है कि हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं है। तो व्यूअर्स, राखी सावंत और आदिल दुरानी की शादी की खबर तो आपने सुन ली होगी और फोटोज भी देख ली होगी, लेकिन राखी के इस बयान के बारे में आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।